कंडीशन में आपको एक ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा किस चीज़ में आग लगा हुआ है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिकल में आग लगा हुआ, मतलब वायरिंग में हुआ या फिर कुछ कंप्यूटर हुआ, उसके लिए ये सब आपके लिए एनफ है, इसी हिसाब से यूज कर लेना। ऐसे ये मल्टीपर्पज है, इसी तरह का आग में वो काम करेगा। लेकिन स्पेशली जब आपके यहाँ कंप्यूटर इस समय आग लगता है तो उसके लिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको यूज करने का बहुत आसान तरीका है। और ये मतलब जब चाहिए तब अपना यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है, आपका सिंगल टाइम यूज। और जब भी उसे आग लगता तो घबराना नहीं, कोशिश ये करना है कि एक दूसरे को इन्फॉर्म करना है कि भाई यहाँ पे हमारा आग लगा हुआ है, और सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और आपको एक ये भी ध्यान देना होगा कि भाई आपके स्कूल में जो भी बच्चे हैं वो कितने आपके आए हुए हैं, वो सबको भी कोऑर्डिनेट करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई जब आग लगा तो आप लोग लेकर सबको बाहर निकल गए, ऐसा नहीं। अपना कैंपस में कहीं एक जगह आपको सबको ये करना, सेटल करना, ताकि आपका काउंटिंग हो सके कि हमारा सब बच्चा यहाँ पे है या अवेलेबल है या नहीं। हो सकता है इन केस में कभी अंदर भी फंस सकता है, उस कंडीशन में आपको निकालना वहाँ से बच्चे को। इसी उस टाइप में क्या है ना कि एक रिस्क टीम टाइप का बना करके आप लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए सभी बच्चे को बाहर करना, ठीक है। और इसको यूज करने का बहुत आसान तरीका है, ये आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल के लिए कंप्यूटर समय आग लगता है, इसमें एक फायदा ये है कि आग आग करके ऑटोमेटिक रोक लेता, कोई भी डस्ट पार्टिकल तो वहाँ पे नहीं रहेगा, है ना। इसको यूज करने का तरीका देखिए, ये है, ये यूज किए ये अपना ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, आपका आग भी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका मल्टीपर्पज है, ये सभी तरह का आग में काम करेगा, ये पाउडर फॉर्म में होता है। रुमाल चाहे रुमाल ही सब अपने आप मान लेना, ताकि इसका जो डस्ट है वो आपके अंदर नहीं है। ये फास्ट होता है, काफ़ी वेटेड होता है, इसका इसका जो वेट की वजह से एक लेयर जो है ना सरफेस बना देता है, जो ऑक्सीजन में कॉन्टेक्ट खत्म कर देता है। अगर आपके सांस रुक जाता है कोई एनीवन कंटिन्यू करना है इनको सर, हां ये भी सेफ आई थिंक इसी में जा रहा है।